यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि एल्विश अपने गैंग के साथ रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। नोएडा पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। उनके पास से 9 जहरीले सांप रेस्क्यू किए गए हैं, जहर भी बरामद किया गया है। लेकिन इस खबर के सामने के आने के बाद से ये चर्चा छिड़ गई कि सांप के जहर से कोई नशा कैसे कर सकता है, क्या जहर से वाकई नशा होता है? जहर पीकर तो लोग मर नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ले लीजिए, हम किसी भी तरह के नशे को बढ़ावा नहीं देते। कोई भी नशा बिना अगर मगर के नुकसानदेह ही है। सांप का जहर तो जानलेवा है, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें। ये वीडियो बस जानकारी के लिए है। रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, इन्हीं लोगों में कुछ लोग दुपट्टा ले लेते हैं, कुछ नशा करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। और जैसे भांति भांति के लोग हैं, वैसे ही भांति भांति के काम, भांति भांति के नशे। गांव शहरों में जिस सांप का भय प्रचलित है, वहीं सांप कुछेक पार्टियों में नशे की सामग्री बने रेंग रहा है। लोग उसके फन से जबरन जहर निकालकर उससे नशा करते हैं, कभी कभी तो सीधे कटवा भी लेते हैं। इससे उन्हें हाई मिलता है। हाई बोले तो एक उल्लासपूर्ण अवस्था, सादी भाषा में समझिए कि नशा होता है, कमहोशी होती है। एक केस स्टडी से बात शुरू करते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ने 19 साल के एक लड़के के स्नेक बाइट एक्सपीरियंस का पूरा ब्यौरा छापा है। केस राजस्थान का है। अपर मिडिल क्लास का मारवाड़ी परिवार का एक लड़का है। 11 साल की उम्र से ही उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। 19 तक तो वो तो दिन की 20 सिगरेट पीने लगा था। बीते 6 साल से शराब के नशे का भी आदी था। एक दिन में 3 बार गांजा भी पीता था। 17 साल की उम्र में उसने हार्ड ड्रग्स का रुख किया, मतलब कोकेन, अफीम, एसिड वगैरह, माने पूरी तरह से नशेड़ी ही था। फिर उसके दोस्तों ने उसे सांप के नशे के बारे में बताया। जब उसे ये यकीन हो गया कि इससे मरेंगे नहीं, तब उसने तय किया कि वो स्नेक बाइट लेगा। उसने दूसरे शहर से सांप मंगवाया। जहर का असर बढ़ाने के लिए उसके दोस्तों ने उसे एक केमिकल दिया, कहा कि सांप में ये केमिकल डाल दो। लेकिन वो केमिकल क्या था, इसकी उसको जानकारी नहीं है। गांजा फूंकने के बाद उसने अपनी जीभ पर सांप से कटवा लिया, तुरंत बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद होश लौटा तो भी पूरा नहीं। लड़के ने बताया कि उसे अत्यधिक खुशी हो रही थी, हल्का हल्का लग रहा था, नींद आ रही थी, और ऐसा एक हफ्ते चला। इस दौरान उसने कोई और नशा नहीं किया। 7 दिन बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया। आने वाले महीनों में उसने कई बार स्नेक बाइट लिया। सूचना परिवार को मिली तो उसे अस्पताल ले जाया गया। सांप के काटने की जगह पर मांसपेशी में कोई डैमेज नहीं मिला। शरीर पर कई टेस्ट हुए, सब नॉर्मल आया। बस उसे पसीना बहुत आ रहा था, हाथ कांप रहे थे और चाल में ढिलाई थी। शरीर में गांजा और अफीम मिले, मगर नियमित जांच में सारे नतीजे सामान्य। मानसिक स्थिति के मूल्यांकन में नींद न आना, सिगरेट शराब की लत, चिड़चिड़ा रवैया, नशीली दवाओं के सेवन के लिए पूर्ण व्यस्तता और कमजोर आंखें। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि ये लक्षण उसे सांप काटने की वजह से थे या जो सालों से वो नशा कर रहा था, जो उसे लत थी उसकी वजह से। इस केस में मरीज की नशा हिस्ट्री इसलिए बताई गई है कि डॉक्टरों का कहना है कि व्यक्ति की हिस्ट्री का फर्क पड़ता है। सालों साल कड़े परिश्रम के साथ इस लड़के ने जो नशा किया था, उससे इसका शरीर कुछ और सहिष्णु हो गया था। मुमकिन है अगर वो नशे का फर्स्ट टाइमर होता तो वो बहुत बीमार हो सकता था। सांप का जहर अफीम या हार्ड ड्रग जैसे नशीले पदार्थ जैसा ही नशा छोड़ता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो एनाल्जेसिया पैदा करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन मतलब ऐसे पदार्थ जो नर्वस सिस्टम का माहौल बदल या बिगाड़ दें, और एनाल्जेसिया मतलब दर्द न महसूस होना। जहर को कंज्यूम करने के कई तरीके हैं। नशा करने वाले जहर निकालकर सीधा सुई में लगा लेते हैं, लिक्विड को पाउडर बना लेते हैं, ड्रिंक में मिलाकर पीते हैं, और सीधे कभी कभी जैसा हमने पहले बताया जीभ पर कटवा लेते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं करना है, यह हम आपको बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। द संडे गार्जियन के लिए स्वाति ने 2016 में एक रिपोर्ट की थी। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात की थी जिन्होंने सांप वाला नशा किया था। उन लोगों ने बताया कि जहर से शरीर में तेज झनझनाहट होती है और ऊर्जा का पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पार्टी ड्रग है तो लोग नशा करके लंबे समय तक नाचते हैं और नाच सकते हैं, और इसका प्रभाव अलग अलग होता है। कभी 6-7 घंटों में उतर जाता है, कभी 5-6 दिनों तक रहता है। दिल्ली में 1 ग्राम स्नेक बाइट पाउडर की कीमत लगभग 20,000 से 25,000 रुपए है। नारकोटिक्स अधिकारियों का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधा लीटर सांप का जहर लाखों रुपए में बिकता है। खैर, ये तो हुई नशा पुराण, लेकिन नशा करने के लिए आपको लाखों रुपए या इतनी मेहनत की करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की हवा आपके लिए पर्याप्त हानिकारक है। नमस्ते, मेरा नाम है सोमशेखर। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।